हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं जय आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सोनी के किसी भी होम थिएटर को, जिसमें बार्स भी हो सकती हैं, 5.1 चैनल भी हो सकते हैं, या और भी जो उसके होम थिएटर हैं, जो ये आपका जो एम्पलीफायर या ब्लूरे प्लेयर के साथ आते हैं, उनको कैसे रिसेट करना है। तो यूजुअली होता है कि अभी तो ये फिलहाल वर्किंग कंडीशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम इसमें आ नहीं रहा है, पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ टाइम पहले मैं इसको यूज कर रहा था, तो सडनली क्या हुआ, ये मतलब मैंने बंद करके इसको चालू करा तो एकदम ये सडनली एक मोड पे आके रह गया। ना तो कोई रिमोट काम कर रहा था इसका, बस टीवी वाले मोड पे लग गया था, ना ही ब्लूटूथ काम कर रहा था, ना कोई की ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा था, तो इसको रिसेट करने की ज़रूरत पड़ी थी। और कोई भी जब की काम नहीं करेगी तो आप कैसे रिसेट करोगे। आप रिमोट से रिसेट करना चाहो तो रिमोट से यूजली आप सिंपल सा इसमें हम वाला की दबा के, मैं आपको दिखा दूँ रिमोट से आपको कैसे रिसेट करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप वो वाला रिसेट आप कैसे करोगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हो दोस्तों, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, यहाँ आप देख रहे हो दोस्तों, ये मैं गया इसमें रिसेटिंग में। रिसेटिंग में आप ये रिस्टोर फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक कर दो तो फुली रिसेट हो जाएगा। दोस्तों ये तो आपका पहला मेथड था। दूसरा मेथड मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दूसरे मेथड में आपको इजीली करना ये रहेगा, पहले तो आपको ये होम थिएटर है, आपको ये को ऑन करके रखना है। और मान लीजिए ये स्टक हो जा रहा है इसी पोजीशन में, टीवी वाले मोड पे या किसी मोड पे आपके होम थिएटर में अगर हो जा रहा है, तो आपको यहाँ दो कीज दिख रही होंगी दोस्तों। ये आपके होम थिएटर में ये कीज डिफरेंट जगह पे प्लेस हो सकती हैं, पर मेरे इसमें आप फंक्शन वाला की आपको मैं दिखाता हूँ अभी, ये फंक्शन वाला की वॉल्यूम माइनस एंड वॉल्यूम प्लस की, तो इनको साथ में आपको दोनों टच करना है, क्योंकि टच वाली कीज रहती हैं, इसको आप प्रेस नहीं कर पाओगे, इनको मैं साथ में टच कर दे रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ डिस्प्ले में आपको रिसेटिंग लिख के आया था, ये वेट लिख के आ गया, ये टोटल रिसेट हो गया दोस्तों। तो ये काफ़ी ये इनिशियल फैक्ट्री रिसेट हो गया, इसका कुछ ही सेकंड लगते हैं, एक आपको दो से तीन सेकंड आपको दबाने की ज़रूरत है और ये रिसेट हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों देख पा रहे हो कि रिसेट हो गया है और कम्प्लीटली इसकी सेटिंग जो डिफ़ॉल्ट पे चली गई है। तो काफ़ी ईजी था दोस्तों ये, और भी इसमें कोई रिसेट करने का ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो काफ़ी सिंपल सी ट्रिक थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।